बच्चों आज पढ़ेंगे हम काइंस ऑफ मसल्स के बारे में ओके द मसल्स इन योर बॉडी आर ऑफ थ्री काइंड्स हमारे बॉडी में जो मसल्स है वो थ्री टाइप का मसल रहता है ओके okay? एक है वॉलंटरी मसल्स बच्चों वॉलंटरी मसल को स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं ओके द मसल्स दैट आर अंडर योर कंट्रोल आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स जो मसल्स हमारे कंट्रोल में रहता है उसे कहते हैं वॉल्यूंटरी मसल्स ओके जो मसल्स हमारे कंट्रोल में रहता है उसे कहते हैं वॉल्यूटरी मसल जैसे कि जो हम हम मूव करेंगे तो मूव होगा जो हम बेंड करेंगे तो बेंड होगा जैसे हमारे कंट्रोल में रहेगा ओके दे कॉन्ट्रैक्ट पावरफुली एंड क्विक क्विकली ये मसल्स क्या होता है बहुत पावरफुली होता है ओके okay? पावरफुली मूव करता है अगर हम मूव करेंगे तो पावरफुली मूव करेगा समझे द मसल्स इन योर लेग्स आर्म्स आर वॉलटरी जो हमारे लेग्स में जो मसल्स है आर्म्स में जो मसल्स है वो मसल्स वोलटरी मसल्स होता है ओके जो वॉल्ट्री मसल्स का एग्जाम्पल क्या है जो हमारे लेग्स में आर्म arm, आर्म्स में जो मसल्स है वो है वॉल्टरी मसल्स ओके बच्चों अभी पढ़ेंगे इन वॉलुटरी मसल्स ओके इन वॉल्टरी मसल को कहते हैं स्मूथ मसल्स इन वॉल्टारी मसल्स को स्मूथ मसल्स भी कहते हैं दी चार मसल्स दैट आर नॉट अंडर योर कंट्रोल इन वॉल्ट्री क्या है जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं रहता उसे कहेंगे इन वॉल्टरी मसल्स जैसे वॉल्टरी मसल्स हमारे कंट्रोल में रहता है इसी प्रकार इन वॉलंटरी मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं रहता ऑटोमेटिक होता है ओके दो मसल्स इन योर स्टोमक इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स आर इन वॉलेंटरी मसल्स इन वॉलेंटरी मसल कौन कौन सा है स्टोमक है इंटेस्टाइन ब्लड वेसल का मसल्स है इन वोलेंटरी मसल्स ये ऑटोमेटिक होता है ओके हमारे मर्जी से मर्जी के बिना ऑटोमेटिक होता है इन मसल्स क्या है जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं रहता हमारे कंट्रोल में नहीं रहता ऑटोमेटिक होता है जैसे इन मसल्स मॉसल्स का एग्जांपल क्या क्या है स्टोमक इंटेस्टाइन ब्लड वेसल्स आर इन मसल्स ये है इनवालटरी मॉसल्स